ठीक है, तो हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं द बेंगल सेलर्स, कंपोज बाय सरोजनी नायडू, ऑल्सो कॉल्ड द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो लिखा हुआ है, सरोजनी नायडू वॉज कॉल्ड द नाइट एंगल ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी बिकॉज ऑफ द कलर इमेजिनरी लिरिकल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। अभी इसके सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसने पहली बार बोला? महात्मा गांधी जी ने ही बोला। क्यों? उनके पोएट्री की वजह से, उनके पोएट्री में जो क्वालिटीज है, उस पोएट्री की क्वालिटीज का असर होने उनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया बोला गया। अब थोड़ा आते हैं पोएम के बारे में, द बेंगल सेलर। तो बेंगल सेलर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उनकी म्यूजिकल वर्ड्स का, यानी उनके पोएम्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये जो पोएम है, इस सॉन्ग ऑफ द मैन, ये पोएम है ना, ये एक आदमी का सॉन्ग, जो आदमी गा रहा है, जो कि क्या कहता है, हु सेल ग्लास बेंगल्स एट ब्रिज फेयर, जो कि क्या कहता है, गाँव के मेलों में और शहर के मंदिर के बाहर, और शहरों में टाउन में मंदिरों के बाहर जो बेसिकली कांच की चूड़ियाँ बेचता है, ठीक है, वो इंसान ये गाना गुनगुना रहा होता है। द डिफरेंट कलर बैंगल सिम्बलाइज द डिफरेंट स्टेजेस इन अ वुमेंस लाइफ। ओके, अलग अलग कलर की चूड़ियाँ, अलग अलग कलर की बैंगल्स एक औरत के अलग अलग लाइफ के अलग अलग स्टेज के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई यंग मिडन होती है, यानी कि जो कुंवारी होती है, उनके हाथों की चूड़ियाँ अलग कलर की होती हैं। जो ब्राइड होती है, उनके कलर की, उनके हाथों की चूड़ियाँ अलग कलर की होती हैं। मिडिल एज होती हैं, उनके हाथों की चूड़ियाँ अलग होती हैं। जो ओल्डर वुमेन होती हैं, उनके हाथों की चूड़ियाँ अलग होती हैं। तो वो बता रहा है, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कलर्स के बारे में बात की गई है, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे की गई है। कुछ सिल्वर ब्लू के बारे में बात की जा रही है, कुछ फील्ड ऑफ सनेट कॉर्न की बात की जा रही है, कुछ पर्पल गोल्ड बात की जा रही है। तो बता रहे हैं कि हर तरह की चूड़ियों की पहचान इस सब इंसान को पहचान सकते हो, उसकी एज को पहचान सकते हो, क्योंकि हर एज पर इंसान के प्रेफरेंस बदलते हैं। ठीक है, ब्राइड को कलरफुल ज़्यादा पहनाया जाता है, रेड कलर ज़्यादा पहनाया जाता है, तो रेड कलर की बात यहाँ पे की गई है। ओल्डर को लाइट कलर, जिनको कलर ज़्यादा पसंद नहीं होते एज में, सब बातें की गई। तो बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को उन्होंने डिफरेंट एज के साथ उन्होंने अपने पोएम में इंक्लूड किया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। Listen carefully to the music of the poem as you read it aloud. Look for the different colors of the glass bangles and see how well they are suited to the stages in women's life. आपको बिल्कुल देखो यहाँ पे कि जो different different कलर जो है ना बैंगल्स के, वो कैसे वुमेन की लाइफ स्टेज से मैच करते हैं। फिर बता रहे हैं, सरोजनी नायडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस इन द फ्रीडम वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम फाइट जो हो रही थी उस टाइम पर, इनके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी उस टाइम पर इनका भी काफ़ी रोल रहा था। एंड वर्कड अलॉन्ग साइड गांधी जी, इन्होंने गांधी जी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था बेसिकली उस फ्रीडम फाइट में, है ना। और फिर बता रहे हैं उनका जो बर्थडे है वीमेंस डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वुमेन की वर्क को एक पावरफुल समझा जा सके, ताकि उनको ज़्यादा नेगलेक्ट इग्नोर ना किया जा सके, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस शो करने के लिए बेसिकली। अब कुछ यहाँ पर वर्ड से पहले उनको हाईलाइट करता हूँ, फिर बाद में सभी के मीनिंग लिखवाता हूँ, ठीक है। बेंगल सेलर हो वी बियर, बी हो बियर, बेंगल सेलर को पता ही है बियर मतलब पहनने से, ठीक है। आर साइनिंग लोड्स टू द टेंपल फेयर, ये भी पता होगा आपको। हु विल बाय दिस डेलिकेट, डेलिकेट लिख लेना, टिंटेड लिख लेना, लस्टर्स आपको पता होगा, टोकन आपको पता होगा, रेडियंट लिख लेना, बर्ड्स चलो लिख लो। On the tranquil glow, लिख लो, वुडलैंड आपको पता ही होगा, वुडलैंड स्ट्रीम लिख लो, समर एग्लू, कुछ वर्ष मेरे को भी ध्यान नहीं है इनमें से, विद द ब्लूम दैट लीफ टू द लिम्पिड ग्लोरी, न्यू वन लीफ, समर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, ये कौन सा फ्लावर कॉर्नर देखते हैं, मेड फॉर द ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न लिख लेना, गुलाब करना होता है बेसिकली, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और विच विद द
ऑफ अर हार्ट डिजायर टिंकलिंग ल्यूमिनस सिखे रंग इसमें ना कोई पानी का टेंडर किसी ना क्लियर पता ही होगा लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर डिटेल सम आर पर्पल एंड गोल्ड ऑफ ब्लैक डिग्री कलर है बेसिकली फॉर सी हु हैज जर्नी टू लाइफ मिड वे हुज हेड्स हैव चेरिश्ड हुज लव हैज ब्लेस्ड And cradled the fair sons, and on her faithful griefs, and serve her household and fruitful pride, and worship the god at her husband's side. ठीक है. आज इसके काम करते हैं वैसे. देखते हैं अब dedicate का meaning लिख लूँ. Delicate मतलब पता है नाजुक, soft, कोमल है ना. हिंदी में लिखना था नाजुक लिखो टिंटेड मतलब होता है टिंटेड टिंटेड का मतलब होता है रंगा हुआ रंगे हुए को हेलो जी सर हाँ टिंटेड का मतलब होता है रंगा हुआ मतलब पेंटेड लिख लिया प्रिंटेड तक हाँ जी सर रेडियंट रेडियंट मतलब होता चमकीला चमकीला ब्राइट मेडल मतलब होता कुवारी कुवारी को आप क्या बोल सकती हो अनमैरिड अनमैरिड तो लिख दो एक और वर्ड होता है इसका अनमैरिड ही लिख लो फिर इसका जैसे लड़कों के लिए बैचलर होता है ना बैचलर ऐसे उनके कोड होता है स्प्रिंस्टल कुछ ध्यान नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था स्प्रिंस्टल कुछ ऐसे नाम होता है स्प्रिंस्टल जो कि मैं चेक करता हूँ ध्यान नहीं आ रहा आप अनमेरिड लिख लो ठीक है मिस्ट मतलब कोहरा फॉग लिख लिया फ्लस्ड लिखो फ्लस्ड समझ फ्लस्ड फ्लस्ड मतलब इनकरेज्ड जो बहुत मतलब इनकरेज्ड होते हैं समर फ्लस्ड है ना इनकरेज्ड लिख लो या फिर शर्मिला लिख लो फ्लस मतलब शर्माना भी होता है ना वो होता है लिख लिया लिख लिया फिर लिखो ट्रैंक्विल लिखो ट्रैंक्विल शांत ट्रैंक्विल मतलब शांत ब्रो मतलब तो आपका हिंदी में बोलते माथा यानी फोरहेड यानी कि फोरहेड फोर हेड लिख लिया वुडलैंड मतलब जंगली समझो फॉरेस्ट की बात किया जाए ठीक है अब उसका मीनिंग क्या निकलेगा एग्जैक्ट वो जब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा समझ एग्रो विद द ब्लूम दैट क्लिप्स एग्रो एग्रो यानी चमकता हुआ इसको आप कहते हो समर शाइनिंग विद द ब्लूम समर एक्साइटेड विद द ब्लूम एक्साइटेड ज्यादा अच्छा लगेगा ना अगर एक्साइटेड लिख लो इसका मीनिंग एक्साइटेड और ब्रैकेट में लिख लेना साइनिंग है ना समर एवरी द ब्लूम दैट क्लिप्स क्लिप्स का तो बना है ना यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ब्रेक
ब्रेक है ना। लिख लिया? हाँ हाँ जी सर। लिखो लिम्पिड, लिखो लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट, लिम्पिड मतलब ट्रांसपेरेंट। और ब्रैकेट में इसका ना क्लियर। ग्लोरी पता है ग्लोरी कैसे बोलते हैं? मतलब शान एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, बस इसको लिखो मत फिर। सनलिट कॉर्न लिखो, सनलिट कॉर्न मतलब क्या है यहाँ पे लिखो। कॉर्न सर लिखो, कॉर्न फुल ऑफ, फुल ऑफ सनलाइट। मतलब कह रहा है यहाँ पे, अब मैं मीनिंग बाद में बताऊंगा, बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है फील्ड के उन कॉर्न के साथ जिनका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या सनलाइट है, उनके पास कोई कमी नहीं है सनलाइट की। मोर में मतलब था बिलाप करना। सर बिलाप कौन सा है? शादी के टाइम पे जब विदा होते टाइम पे जो रोते हैं उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। तो मोर मतलब बिलाप होता है। नहीं, वो ये मौन बोला नहीं है, वो मौन अलग होता है, ये MORN है। ठीक है, यहाँ पे मौन का मतलब लिखो, मीट फॉर अ ब्रेड, सुबह। यहाँ पे मौन का मतलब सुबह से है, मॉर्निंग से। उसके ब्राइडल मॉर्निंग पर जी लिखो। सर। ह्यू का मतलब बेस्ट तो होता है कलर, ह्यू का मतलब बेस्ट तो क्या होता है कलर। लिख लो वहां पे, कलर ही लिखो पहले। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। टिंकलिंग लिखो, टिंकलिंग। साउंड ऑफ बेंगल्स यानी खनक, साउंड ऑफ बेंगल्स हिंदी में आप लिख सकते हो खनक। ल्यूमिनियस का मीनिंग तो आपको पता होगा, साइनिंग। हाँ जी सर। टेंडर का भी लिख लो, फिर ऑफर या फिर प्रपोजल। ऑफर प्रपोजल यहाँ पे लिखा, फिर मेरा पैसा भी मत लिखो, ऑफर मत लिखो यहाँ पे। बात की ब्रेड के थे तो ब्रेड के साथ यहाँ पे लिखो सॉफ्ट, सॉफ्ट ब्रेड में लिखना सेंसिटिव, सॉफ्ट और सेंसिटिव है ना। फ्लैग्ड ग्रे, फ्लैग्ड ग्रे क्या होता है? एक ग्रे कलर ही होता है जो बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बेसिकली ग्रे कलर ही लिख लो, अ काइंड ऑफ ग्रे कलर, अ काइंड ऑफ ग्रे कलर। ठीक है, लिख लिया। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड क्या है बेसिकली? ब्लेस्ड ही है, ब्लेस्ड होता है ना, ब्लेस्ड, BLEESED। जो को लिखने का तरीका है, जो को लिखने का तरीका है BLEST। क्रेडल लिखो, क्रेडल। तो
क्रेडल में से ना एक वर्ड हटा लेना है, ये आपका एडजेक्टिव बन जाए, नाउन बन जाएगा, क्रेडल रखो, केवल क्रेडल का मीनिंग, CRADLA, क्रेडल मतलब तो पालना, तो क्रेडल द फेयर सेंस का मतलब क्या, ऐसे बच्चे इनको पाला गया हो, ठीक है, तो क्रेडल मतलब तो पालना, नर्सिंग कह सकते हो, ब्रिंग अबाउट कह सकते हो, हिंदी में पालना, पालना झूलने वाला पाला नहीं, पालना मतलब पालन पोषण करना, ठीक है। ये तो वो मीनिंग है जो मेरे को लगता है कि आपको नहीं आता होगा। अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड है इनका मीनिंग आपको नहीं आता, आप मुझसे पूछो, ताकि मैं बाद में, अभी तो ये नहीं पढ़ा रहा, ताकि बाद में आपको पढ़ाऊँ तो सारे वर्ड के मीनिंग आपको पता हो। पहले पैरा में जो फिफ्थ लाइन है उसमें लशियस टोकन्स इसका क्या है? लस्ट्रस का मतलब यही है, साइनिंग, इसीलिए यहाँ पे लस्ट्रस का मीनिंग उठे, इसके अंदर एक वर्ड आया था आपका एट्रैक्ट करना, क्या करना, तब उसको लिख सकते हो एट्रैक्टिव, जो साइन तो कर रहा है, साइनिंग तो ये है ही है, साइनिंग तो ही है, साथ ही इतना साइनिंग कि आपको एट्रैक्ट कर रहा है, आप इसको साइनिंग प्लस एट्रैक्टिव, साइनिंग प्लस एट्रैक्टिव, इतना साइनिंग कि वो आपको एट्रैक्ट कर रहा है। और टोकन में सिंबल की बात किया जाए, क्या कौन से सिंबल की बात किया जाए, तो जब मैं पोएम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, टोकन बेसिकली और एक सिंबल ही तो होता है। बाकी सब और आप बाकी सब आते हैं, ठीक है, तो ट्राई करना ये याद करने का, ताकि कल मैं इसी पर वीडियो रिकॉर्ड करूं तब कुछ समझ में आए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।